तो अनिरुद्ध आचार्य जी की प्रस्तुति में एक आदमी ने श्री अनिरुद्ध आचार्य जी से पूछा कि अगर नारी शक्ति है तो फिर सूफनगा कौन सी शक्ति है। अब ये बात सुनकर श्री अनिरुद्ध आचार्य जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं वीडियो क्लिप। तो फिर नारी सूफनखा हो जाती है ये बोला गया? नहीं, नारी सूफनखा महाराज नहीं होती, नारी शक्ति है। हाँ, तो सूफनखा को भी आप शक्ति मान लेंगे, ताड़का को भी शक्ति मान लेंगे? यदि ताड़का और सूफनखा को शक्ति मान लेंगे तो फिर सीता को क्या मानेंगे? तो हमारे अष्ट भुजाओं को जो भाई जो शक्ति शक्ति लायक है उसे तो शक्ति कहा गया है। सीता की आराधना की गई है, माता सीता की, अनसुईया माता की आराधना की गई है। जिस तराजू में आप अनसुईया और माता सीता को तोलेंगे उस तराजू में सूफनखा को नहीं तोला जा सकता, समझो। आप एक तराजू में तोलने चल रहे हैं, जिस तराजू में आप राम को तोलेंगे उसी में रावण को नहीं तोला जा सकता। नहीं तोला जा सकता महाराज, लेकिन सब एक जैसी नहीं। हाँ, तो फिर आपके हिसाब से सूफनखा अच्छी है तो ठीक है, अपनी बहन बेटियों को बनाना, कोई अतराज थोड़ी करेगा, कोई मना ही नहीं। यदि आपको सूफनखा अच्छी लग रही है तो अनखा के पदचिन्हों पर चलिए, यदि आपको रावण अच्छा लग रहा है तो आप रावण के पदचिन्हों पर चलिए। रामायण को झूठा मानते, फिर आप झूठा मानो सही मानो, आपके देखे उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता, तो उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता इससे ये सिद्ध नहीं होता कि सूर्य नहीं है, उल्लुओं को नजर नहीं आता। तो भाई सिंपल है कि आप यदि रामायण को झूठा माने तो आप मान सकते हैं, सच्चा माने तो भी मान सकते हैं, आप दोनों मानने के लिए स्वतंत्र हैं। रामायण को झूठा किस बात पर आप मानना चाहते हैं बताइए, आप दोनों मानने के लिए स्वतंत्र है, कोई बाध्य नहीं करेगा कि नहीं आप मानो। भगवान को कोई गाली भी देता है, शिशुपाल तो गाली देता था, रोज सौ गाली देता था, कोई उसके मुंह पे हाथ रखने नहीं गया, आप भी गाली दे सकते हैं, कोई आपके मुंह पे हाथ नहीं रखेगा, लेकिन सत्य तो सत्य रहेगा, आप माने ना माने, सत्य को नकार देंगे आप? फिर आप रामायण को नहीं मानेंगे तो मत मानिए, तो ना मानने से आपका फायदा क्या होगा? रामायण अवधी भाषा में नहीं है। किस भाषा में है? हजारों भाषा में है। हजारों भाषाओं का प्रयोग है उसमें, पर मूल अवधी भाषा है, हजारों भाषाओं के शब्द हैं उसमें, ये बात सही है, पर मूल अवधि भाषा में है वो। मूल अवधि भाषा में है महाराज। हाँ, कि तो सम पुरुष नमो सम नारी, ठीक है, संयोग विद रचा विचारी। हाँ, कि जीय बिन दे नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, ठीक है। इसमें कितने शब्द हमारे संसार की पचासों भाषाओं का। हाँ, हाँ, भाषा तो बहुत सारी है, तो इससे आपको प्रॉब्लम क्या है, कहना क्या चाहते हैं ये तो स्पष्ट करो। प्रॉब्लम हमें ये है कि आप थोड़ा महाराज जी समझा देंगे तो। क्या समझना है, समझाने तो बैठे हैं ना, ना उनको बात करो, क्या समझना है ये तो बताओ। आपकी मैं रोज भागवत सुनता हूँ। हाँ, और आपने उस दिन कहा था कि अवधि भाषा में रामायण लिखी गई है। हाँ, अवधि भाषा में लिखी गई है ना, लिखी, लेकिन इसमें हजार भाषाओं का, हजारों भाषाएं तो हैं, पर मूल तो अवधि है, अवधि है। फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए, आपको क्या दिक्कत हो रही है, क्या अवधि में है? बारी शब्द किसको कहा जाए, बारी मतलब पानी, तो ये कहाँ का शब्द है? अरे भगवान, ये संस्कृत के शब्द हैं, एक पर्यायवाची होते हैं, क्या अनेक होते हैं। कहाँ उलझ रहे हैं, कहाँ तक पढ़े हैं आप? हम एमएससी कर रखे सर। अच्छा, तो बारी मतलब ये हिंदी और संस्कृत के शब्द हैं, हमारे यहाँ पर्यायवाची होते हैं, क्या होते हैं? हम फौजी रिटायर हैं, सूबेदार मेजर। पर्यायवाची समझते हैं, एक के अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अनेक शब्द होते हैं, तो पर्यायवाची हैं। एक के 26 बनते। तुलसीदास जी ने जिसकी जहाँ जरूरत पड़ी, सही है ना, वो वहाँ पे कह दिया। अब जब रावण सीता माँ को ले, अच्छा बताओ भड़हा मतलब क्या होता है? भड़हा, भड़हा कमेंट में, भड़ियाई मतलब क्या होता है? भड़ियाई चोरी होती है। हाँ, तो ये गांव की भाषा है, गांव की भाषा, अब हमारे गांव में बोली जाती है इस भाषा का, भड़ियाई कर ली, सुनो इस भाषा का भी प्रयोग है। हाँ, अब ए बी सी डी ई एफ जी, इसमें एन आता है, एन आता है, आता है। अब देखो मैं एक चौपाई बोलता हूँ उसमें एन आएगा, सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, वहशे करुणा एन। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप अपने विचार जरूर लिखेगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए बिल्कुल इसी तरह के बहुत ही शानदार वीडियो बनाते रहते हैं। और हमारे चैनल में दोस्तों जाके देखिए, हमने बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना के रखे हैं, आप एक बार चैनल के अंदर जाइए और हमारे जितने भी वीडियो है उनको एक बार खोल के देखिए, आपके हिसाब से हमने सारे वीडियो बना के बिल्कुल तरीके से प्रस्तुत किए हैं। जय श्री राम।